वर्गीकरण पाठ दो क्लास इलेवेंथ का सेकंड चैप्टर है और आज इस चैप्टर में ये लास्ट लेक्चर है। इसमें डिस्कस करेंगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे वायरस के बाद में बैक्टीरियोफेज जो वायरस ही है एक तरह से, उसके बाद में वायरॉइड्स वायरन्स एंड प्रायन्स। वायरस को संयोजक कड़ी भी कहा जाता है। ये सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी है, इन दोनों के लक्षणों को रखती है। इसका अर्थ सिंपल सा ये है कि जब कोई वायरस किसी भी निर्जीव सतह पर है, किसी सजीव के शरीर के अंदर नहीं है, तब ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, अपना गुणन नहीं करता, अपनी संख्या नहीं बढ़ाता, जनन नहीं करता। परंतु जब कोई भी वायरस किसी सजीव के अंदर प्रवेश करता है, उस स्थिति में यह अपना गुणन करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर वायरस जो सजीव और निर्जीव की संयोजक कड़ी है, ये अपना नंबर अगर बढ़ाएंगे तो उसके लिए ये निर्भर रहता है किसी सजीव पर। निर्जीव के ऊपर हैं तो ये उसी प्रकार पड़े रहेंगे जैसे एक निर्जीव वस्तु होती है, इसलिए इन्हें संयोजक या योजक कड़ी कहा जाता है। तो योजक कड़ी कर देते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको TMV टोबैको के अंदर देखा गया था, नाम रखा टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस इसका नाम रखा गया था। वायरस मिला था वायरस को हिंदी में विषाणु कहा जाता है। अब इनकी संरचना की अगर बात करें तो संरचना में एक प्रोटीन का आवरण होता है। सबसे सरल संरचना है पूरे अर्थ पर, पूरी दुनिया में सबसे सरल संरचना अगर बात करें तो इन्हीं की होती है। इन्हें किसी भी जगत में नहीं रखा गया। जो पांच जगत पढ़े थे विटेकर वाले, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया, उनमें से किसी भी जगत में इन्हें नहीं रखा गया। इन्हें रखा गया एक नए जगत में और उस जगत का नाम था जगत वायरा। तो वायरा में वायरस को रखा। इनमें प्रोटीन का आवरण होता है, साथ ही इनमें न्यूक्लिक अम्ल भी होता है। न्यूक्लिक अम्ल RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, ये रेखित भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, ये एक रज्जु की भी हो सकता है और द्विरज्जु की भी हो सकता है। RNA मिलता है अधिकांशतः पादपों में और DNA मिलता है प्रायः प्राणियों में, परंतु हमेशा ऐसा नहीं। जैसे एग्जांपल HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV वायरस, वो प्राणी का वायरस है, मनुष्यों में HIV एड्स रोग उत्पन्न करता है, एक सिंड्रोम उत्पन्न करता है, परंतु यहाँ पर कंडीशन ये है कि HIV के अंदर RNA मिलता है, जबकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्रायः DNA पाया जाता है, परंतु HIV ऐसा है जो अपवाद है, इसमें RNA मिलेगा। यहाँ पर आगे बात करते हैं। ये तो इसकी सिंपल सी स्ट्रक्चर है। जो इसका प्रोटीन आवरण है, ये इसे कैप्सिड कहते हैं, ये कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड की इकाई है कैप्सोमियर। कैप्सिड की इकाई को कैप्सोमियर कहते हैं। कई कैप्सोमियर से मिलकर कैप्सिड का निर्माण होता है। अब बात करते हैं एक जीवाणुभोजी की। जीवाणुभोजी के नाम में जीवाणु आ रहा है, परंतु जीवाणुभोजी भी वायरस ही है। जीवाणु को खाने वाले वायरस, ऐसे विषाणु जो जीवाणुओं को मार देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें जीवाणुभोजी कहा जाता है। यह बात करते हैं जीवाणुभोजी की संरचना की। इसकी संरचना इंपॉर्टेंट है। इसमें एक षटकोणीय सिर पाया जाता है, इसके साथ में एक कॉलर भाग होता है, कॉलर के नीचे इसका शीथ होता है, उसके बाद में इसकी एक प्लेट होती है, जिसे पुच प्लेट या टेल प्लेट कहते हैं। इस पर कुछ पिंस होती है,
साथ ही इनमें शूक निकलते हैं, ये शूक इनको चिपकने में सहायता करते हैं। साथ ही अंदर इसके सिर में इसका डीएनए उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ये इसका सिर है, कैप्सिड, ये इसका डीएनए है। यहाँ पर ये भाग कॉलर कहलाता है, इस भाग को शीत या आवरण कहते हैं। ये इसके पुच्छ तंतु हैं जिनकी संख्या 6 होती है। ये बैक्टीरिया की सतह पर चिपकने में सहायक हैं। ये पुच्छ प्लेट है और यहाँ पर पुच्छ पिन पाई जाती है। अब बात करते हैं कुछ अन्य जीवों की जो वायरस की तरह ही हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे वायरॉइड। वायरॉइड के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर टी ओ डाइनर ने बताया था। सबसे पहले टी ओ डाइनर ने इसे पटेटो में ढूंढा था, पटेटो स्पिंडल ट्यूबर, एक रोग हुआ था आलू के अंदर। और वायरॉइड के बारे में एक ही बात याद रखते हैं, यहाँ अंतर डिस्कस कर रहे हैं, वायरस, वायरॉइड, वायरॉन्स में अंतर क्या है, प्रायंस में अंतर क्या है। चार नाम हैं जो एक जैसे लगते हैं परंतु अंतर इनमें बहुत सिंपल है। वायरॉइड में आरएनए उपस्थित होता है परंतु प्रोटीन आवरण अनुपस्थित। तो एक सरल सा डिफरेंस है, सरल सा अंतर है वायरस और वायरॉइड में। अब बात करते हैं वायरॉन्स की। इनका अणुभार वायरस से कम होता है, इनका अणुभार वायरस से कम होता है। साथ ही यह वायरॉन्स जो है ये वायरस के इन्फेक्शियस स्टेज संक्रमण अवस्था है। नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं प्रायंस की। प्रायंस जो है ये बिल्कुल ही अलग संरचना रखते हैं। इनका वायरस, वायरॉन्स और वायरॉइड्स तीनों से ही बिल्कुल अलग है। प्रायंस में मात्र प्रोटीन पाया जाता है, इनमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता, इनमें मात्र प्रोटीन उपस्थित होता है, इनमें किसी प्रकार का न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है। सबसे पहले पता चला था कि ये मस्तिष्क का रोग उत्पन्न करता है, जैसे एनिमल में, गाय में मैड काउ डिजीज रोग उत्पन्न करता है, मनुष्य में यह सी आर जैकब रोग उत्पन्न करता है। जो ये सिर्फ एक प्रोटीन है, इसका कोई भी न्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए नहीं होता है। इस तरह से ये वर्गीकरण का जो चैप्टर है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।